स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी एमपीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? फटाक से अपने अपने हथियारों को हाथ में ले लीजिए। हथियार मतलब पेन को, है ना, पेन को फटाक से आप हाथ में ले लीजिए। और हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 24th लेक्चर ऑफ आवर वॉरियर सीरीज करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स का जो हमारा 24th लेक्चर है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। एंड साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि अभी जो करंटली एग्जाम्स चल रहे हैं एमपी कांस्टेबल के, उसमें भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बनने लगे हैं। स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स में जो है नहीं बने, बट अब जो है एमपी व्यापम जो है अपना अपना धीरे धीरे रंग दिखा रहा है और रंग दिखाते हुए वो करंट और एमपी के क्वेश्चन वापस में पूछने लगा है। जी हाँ, लास्ट जो पेपर्स कुछ हुए हैं उसमें ना केवल करंट के एज वेल एज एमपी जीके जीएस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऐसे स्टूडेंट जो कि इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जिनको जो है कंटेंट नहीं मिल पा रहा है इंग्लिश में पढ़ने को, तो भाई आप हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। सो हम लोग जो है तैयार हो जाते हैं। फटाक से पेन पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड हियर वी गो, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसेंटली फूड फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश भवन, इन विच सिटी इट इज लोकेटेड। कि भाई आपसे पूछा जा रहा है, एक फूड फेस्टिवल अभी हुआ है मध्य प्रदेश भवन में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश भवन कहां पर है? भोपाल में है, जबलपुर में है, दिल्ली में है या इंदौर में है? बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इस ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको शायद हमारे 17th या 18th लेक्चर में भी हमने बात की थी। किसके बारे में भैया? मध्य प्रदेश भवन के बारे में। और मैंने उस टाइम पे आपको इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन करवाया भी था कि मध्य प्रदेश भवन के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर पहले भी एक फंक्शन और हो चुका है ऐसा। तो भाई जैसे ही हम मध्य प्रदेश भवन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि मध्य प्रदेश भवन 110% एमपी में है और एमपी में भी हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कैपिटल भोपाल के पास, है ना, भोपाल के पास जाते हैं। जबलपुर इंदौर बाद में हमारे दिमाग में आता है क्योंकि मैम भवन की जब बात हो रही है, मध्य प्रदेश का पूरा भवन है तो सीधी सी बात है कैपिटल में होगा, भोपाल में होगा। बेटा यहां आप गलत हो जाएंगे, ध्यान रखना मध्य प्रदेश भवन जो है वो दिल्ली में है। जी हाँ, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है कि भाई जैसे ही बच्चे क्या देखते हैं, मध्य प्रदेश भवन, वो जाते हैं भाग के भोपाल के पास। लेकिन मध्य प्रदेश भवन जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। कहां पर है? दिल्ली में लोकेटेड है और ये फूड फेस्टिवल भी वहीं पर ऑर्गेनाइज हुआ है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द फूड फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अगस्त 18 to 20, 18 से 20 अगस्त के बीच 2-3 दिन का ये हुआ है एट मध्य प्रदेश भवन इन दिल्ली। आजादी का अमृत महोत्सव एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत फूड फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड टुडे बाय रेसिडेंट कमिश्नर पंकज राग एंड मीडिया एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर ICP केसरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है? रिसेंटली विथ हूज हेल्प मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग रिंग रोड इन 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट फॉर ₹685 करोड़। किसके सहयोग से जो है रिंग रोड 6 जिलों में बनाए जा रहे हैं? रिंग रोड के बारे में मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है और इवन मैंने वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी आपसे जो है चर्चा की है जिनमें रिंग रोड बनाया जाने वाला है। रिंग रोड कैसा होता है, क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको दे चुकी हूँ। पता है ना भाई, एक मेन सिटी होती है, मेन सिटी में जो मेन रोड होता है ट्रैफिक, यही कहीं रश बढ़ने के लिए हम लोग वहां से क्या करते हैं, एक रिंग रोड जो कि एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ता है, बीच बीच में भी जुड़ा रहता है, हम उसको जो है बना देते हैं। ये चीज मैंने आपसे पहले भी और वो 6 डिस्ट्रिक्ट को भी हमने डिस्कस किया हुआ है जहां पर ये रिंग रोड बनने वाला है। तो किसकी हेल्प से बनाया जाने वाला है भैया? वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या एशियन डेवलपमेंट बैंक? मैंने आपसे कहा था कि जब डेवलपमेंट होगा तो कहां से होगा? डेवलपमेंट बैंक से। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स को और देख लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे? विद द हेल्प ऑफ न्यू डेवलप्ड बैंक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है यही है। विच स्टेज इज एट द फोरफ्रंट ऑफ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में सबसे आगे कौन सा राज्य है? मातृत्व, यू नो, है ना, इसको जो हम लेते हैं वो किस चीज से लेते हैं? इसको हम किससे लेते हैं भाई? आपको पता है प्रेगनेंसी, है ना, स्पेशली प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इससे रिलेटेड जो है ये स्कीम है, है ना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में इसमें सबसे ज्यादा आगे कौन सा वाला जो है स्टेट है? तो आप कहेंगे कि मैम ऐसे जहां पर बात आती है जच्चा और बच्चा की, जच्चा इज मीन मदर, बच्चा इज मीन चाइल्ड, तो ऐसी चीजों में, ऐसी चीजों के जो है ग्रोथ में सबसे आगे कौन सा रहता है? हमारा मध्य प्रदेश रहता है। कौन रहता है? मध्य प्रदेश। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश टॉप्स प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना फॉर फोर्थ टाइम इन द कंट्री, चौथी बार जो है मातृत्व वंदना योजना में फर्स्ट पे आया है। अदर दिस इज की मध्य प्रदेश हैज टॉप्ड द कंट्री बाय रजिस्टरिंग मोर देन 30 लाख बेनिफिशियरीज, डिस्ट्रीब्यूटिंग एन अमाउंट ऑफ 1294 करोड़ इन बेनिफिटिंग 226,306 बेनिफिशियरीज टिल ऑगस्ट करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, आगे चलते हैं। What is the current per capita income of Madhya Pradesh? Madhya Pradesh की currently जो per capita income है वो कितनी है बताइए। पहले जो थी वो थी 103,654, ये एमपी की per capita income थी पहले। अब ये बढ़कर कितनी हो गई ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा per capita income में जो है टॉप किसने किया है, टॉप पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना। कौन है बेटा? तेलंगाना पर कैपिटा इनकम में टॉप पे कौन है? तेलंगाना सबसे रिचेस्ट स्टेट यदि आपसे पूछ ले, है ना, रिचेस्ट स्टेट यदि आपसे पूछ लिया जाए, रिचेस्ट स्टेट यदि आपसे पूछ लिया जाए तो गुजरात। अब जब मोटा भाई वहां है तो फिर गरीब कैसे हो सकता है, है ना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, पुअरेस्ट स्टेट तो दैट वुड बी बिहार। कौन सा है भैया? बिहार जो है वो सबसे पुअरेस्ट है। यहाँ की पर कैपिटल इनकम कितनी है बिहार की? लगभग 46,000। कितनी है? केवल 46,000 है। तो अब एमपी की जो है पर कैपिटल इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 1.40 लाख हो चुकी। पहले कितनी थी? 103,654 पर प्रति व्यक्ति, है ना, उसके बाद अब बढ़कर कितनी हो गई? 1.40 लाख हो चुकी है। चलेगा पर कैपिटल इनकम ऑफ मध्य प्रदेश इंक्रीज फ्रॉम 1032, ये मैंने आपको बता दिया, इन लास्ट थ्री इयर्स पिछले तीन सालों में, अलोंग विद द प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ द कंट्री, सिग्निफिकेंट इंक्रीज पर कैपिटल इनकम इन मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू डेज प्रीवेलेंट रेट्स इज डेफिनेटली अ गुड साइन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। बिल्कुल कर रहे हैं हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। विच सिटी इज द कंट्रीज लार्जेस्ट क्रूज बींग बिल्ट, देश का सबसे बड़ा क्रूज किस शहर में बनाया जा रहा है? भोपाल, दिल्ली, जबलपुर, इंदौर, बताइए सबसे बड़ा क्रूज कहां मनाया जा रहा है भैया? क्रूज की जब हम बात करते हैं तो हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पर हमें या तो बहुत बड़ी नदी मिल जाए या बहुत बड़ी लेक मिल जाए, है ना। आप यदि बात करें मैम इंदौर की, भाई साहब इंदौर में खान नाम की एक नदी है और वो भी पूरी तरीके से नदी नहीं है। जी हाँ, वो नदी आपको कभी दिखेगी तो कभी नहीं दिखेगी, कभी तो वो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, है ना, कभी तो आपको बस दिखेगा कि यहाँ खान नदी हुआ करती थी, ऐसी वो नदी है। तो आप कहेंगे इंदौर में तो फिर क्रूज हम कहा जमीन पे चलाएंगे मैम क्रूज, तो इंदौर का तो क्रूज से कोई लेना देना नहीं। भाई बात आती है दिल्ली की, दिल्ली में आपको पता है मैम यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी बहते हुए पानी में ज्यादातर क्रूज नहीं बनाए जाते, ध्यान रखना, है ना। क्रूज जो होते ज्यादातर बहते हुए पानी में नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बनाए जाते हैं ज्यादातर ठहरे हुए पानी में। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, भोपाल में कहां बनाया जाने वाला है? भोपाल की लेक में। जी हाँ, भोपाल की लेक में जो है सबसे बड़ा क्रूज बनाया जाने वाला है, लगभग कितना, 200 सीटिंग का जो है ये क्रूज बनाया जाने वाला है, जिसमें समथिंग 12 स्वीट्स होंगे, है ना, 12 स्वीट्स होंगे। और आईआरएस इसका खुद जो है वेरिफिकेशन करेगा, आईआरएस जो है इसका खुद वेरिफिकेशन करेगा इस क्रूज का। इतना प्यारा जो है क्रूज बनने वाला, अभी भी वहां पर है, जब आप जाते हैं अपना ये जो है लेक व्यू देखने आप जाते हैं वीआईपी रोड पर आगे की साइड जब आप जाते हैं ना, शामला हिल्स के नीचे से आप जाते हैं तब आपको वहां पर क्रूज दिख जाएंगे, आप कर सकते हैं वहां पर बोटिंग वगैरह। Construction खानगांव भोपाल, the great thing is the restaurant will be bigger than गंगा विलास क्रूज। अच्छा, अभी जो है सबसे बड़ा क्रूज कौन सा है? गंगा विलास क्रूज है, और ये जो बनने वाला है ये उससे भी बड़ा बनने वाला है, ये भी बात है। How much contribution has been targeted by Madhya Pradesh to make the country a 5 trillion economy by the Prime Minister? देखिए अभी हाल फिलहाल में जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक प्लान जारी किया जिसमें उन्होंने अपने कंट्री को 5 trillion economy बनाना है। कितने की इकोनॉमी बनाना है उनको? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो वो इसमें बात कर रहे हैं कि एमपी को उन्होंने कितना टारगेट दिया है कि भाई आपको जो है लगभग इतना योगदान तो इसमें देना ही है, इतने डॉलर्स का योगदान जो है आपको इसमें देना है। तो एमपी को कितना टारगेट दिया गया है लगभग बताइए।
आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एमपी हर एक पूरी कंट्री में से हर एक स्टेट अपनी अपनी तरफ से इसमें क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एमपी का भी इसमें कुछ टारगेटेड कंट्रीब्यूशन है कि आपको इतना कंट्रीब्यूशन इसमें करना है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमें बताया गया है 550 बिलियन डॉलर का, कि हमें लगभग 550 बिलियन डॉलर जो है कॉन्ट्रीब्यूट करना है इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। देन द प्राइम मिनिस्टर्स resolution to make India a 5 trillion dollar economy, Madhya Pradesh working fast towards fulfilling this goal of contributing 550 billion dollars by Madhya Pradesh. The size of the state budget has also increased 15 times as compared to the year 2001 to rupees crore in the year. Okay. Where the parliamentary school award distribution ceremony has been organized. संसदीय विद्यापीठ पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? आप संसदीय विद्यापीठ पुरस्कार वितरण समारोह से आप ये मत समझना कि मैम ये अपने आप में कोई पुरस्कार है, नहीं, ये एक सेरेमनी है। इस सेरेमनी में जो है अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, है ना, ये एक सेरेमनी है और सेरेमनी में जो है ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये सेरेमनी बेटा हुई है भोपाल में। कहाँ पर हुई है ये सेरेमनी जो हुई है? वो हुई है भोपाल में। ओके चलिए आगे चलते हैं। पार्लियामेंट्री स्कूल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पहला ग्रिड क्षेत्र कहां पर बनाया जाने वाला है RDSS के तहत? नाउ मैम व्हाट इज RDSS? दैट इज रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, सेक्टर स्कीम है ना, डबल एस है ना, सेक्टर स्कीम। इसके तहत कहां पर बनाया जा रहा है भैया? फर्स्ट जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर या इंदौर? फर्स्ट ग्रिड क्षेत्र है ना, फर्स्ट ग्रिड एरिया कहां पर बनाया जा रहा है? तो फर्स्ट ग्रिड एरिया जो बनाया जा रहा है ये बेटा इंदौर में बनाया जा रहा है। RDSS के जो है अंतर्गत, RDSS के अंडर में फर्स्ट ग्रिड एरिया कहां बनाया जा रहा है? फर्स्ट ग्रिड एरिया इंदौर एमपी में बनाया जा रहा है। एमपी में कहां पर? इंदौर में। ये क्वेश्चंस ध्यान में रखना, ये क्वेश्चंस आपको बहुत रेयरली ढूंढने को मिलेंगे। आप जो अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो और आप जहां से बहुत ज्यादा उसकी उम्मीद करते हो कि हमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत कम ऐसा होता है कि आपको काम की न्यूज मिल पाती है ना, काम का करंट अफेयर मिल पाता है, ऐसा बहुत कम न्यूज़पेपर्स में होता है। तो हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन चीजों को, इन पॉइंट्स को हल्के में मत लेना, नोट करते जाना साथ में, चलेगा। पावर ग्रिड है रिसेंटली कंप्लीटेड इन द इलेक्ट्रीफाइड इमलीखेड़ा इन सांवेर तहसील ऑफ इंदौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कहां पर हो रहा भैया? सांवेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट रैबीज प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वैक्सीनेशन कैंप हैज बीन कंप्लीटेड? भैया हाल ही में रैबीज प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस टीकाकरण शिविर किस जिले में संपन्न हुआ है? रैबीज, रैबीज की यदि मैं बात करूं तो रैबीज के बारे में आपने किससे नहीं सुना होगा। रैबीज एक बीमारी है जो कि रैबडो वायरस से होती है, रैबडो वायरस से होती है। ये वायरस स्पेशली किससे फैलता है? ये वायरस स्पेशली बेटा फैलता है बैट से। बैट मतलब आप समझते हो ना, चमगादड़ों से ये फैलता है और स्पेशली किसमें? इंसानों में ये स्पेशली फैलता है। लेकिन भाई अब चमगादड़ तो इंसानों को काटते नहीं है, है ना, चमगादड़ इंसानों को काटते आपने कभी सुना नहीं, तो कुत्तों में, चमगादड़ों से जो है कुत्तों में हो जाता है और सबसे ज्यादा हमने क्या देखा है कि कुत्ते ही इंसानों को काटते हैं। इस कारण से इंसानों को रैबीज होने की समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है। तो हाल ही में इसके लिए जो टीकाकरण किया गया है, इसके लिए जो वैक्सीनेशन किया गया है वो कहां पर हुआ है? उज्जैन, खंडवा, ग्वालियर या भोपाल, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया वैसे कौन सा वायरस है? रैबडो वायरस किससे फैलता है? कुत्तों से नहीं फैलता, रैबीज से हमने केवल कुत्ता सुना है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ तो हमको काटता नहीं है ना, इसलिए। तो ये कहां पर हुआ है? अभी अभी फिनिश ये हुआ है बेटा भोपाल में। कहां पर हुआ है फिनिश? ये फिनिश हुआ है बेटा भोपाल में। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और हम देख लेते हैं। रिसेंटली इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट रैबीज फ्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वैक्सीनेशन कैंप हैज बीन कंप्लीटेड। अ डेडली वायरस स्प्रेड टू द पीपल फ्रॉम द स्लाविया इन्फेक्टेड एनिमल्स। ओके, saliva of infected animals. The rabies is usually transmitted through an animal bite, for example from stray dogs. By stray dogs से मैंने आपको बताया, especially तो bat है, but stray dogs क्यों?
बैट सिस्टर डॉग्स में फैलता है, डॉग से हम पे फैलता है, ठीक है। इसके लिए इंजेक्शन भी लगता है, पहले तो पेट में इंजेक्शन लगा करते थे, अब तो इतना सब कुछ डेवलप हो गया कि जो है हाथ में 3 इंजेक्शन लगवा लो या 5 इंजेक्शन लगवा लो आपको खतरा नहीं होता। भूमि पूजन ऑफ खजूरी माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हैज बीन डन बाय होम। खजूरी माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान, यशोधरा राजे सिंधिया, मंगू भाई पटेल या अनुराग ठाकुर, बताइए। सबसे पहली बात यदि आपसे पूछ ले कि ये खजूरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे चल रहा है अभी फिलहाल में, तो कोलार के आसपास। कहाँ पे चल रहा है भैया? कोलार के आसपास से ये चल रहा है और लगभग लगभग 900 हेक्टेयर की भूमि को ये सिंचित करेगा। कितने की? लगभग 900 जो है हेक्टेयर की भूमि को ये इरिगेट करेगा, सिंचित करेगा। किसने किया है इसका जो है लोकार्पण, इसका भूमि पूजन किसने किया है? तो वो किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, है ना, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं। Resolved to provide water to every village and every farm in the state, CM Shivraj Singh Chauhan performed the groundbreaking ceremony of Khajuri Microlift Irrigation Project in Sihor, Bhopal. मैंने आपको बताया कोलार के पास। Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has said that it is our resolve to provide water to every village and every farm in the state. Okay, we'll continue to do economic empowerment of everyone in the state. ठीक है। वो तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इकोनॉमी यदि डेवलपमेंट करना है तो आप जानते हैं एमपी में मेजरली सबसे ज्यादा इकोनॉमी को सपोर्ट कौन करता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है भाई? सिंचाई की, पानी की। तो भाई हमारे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी सबसे पहले उसी चीज को टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे अभी जो हम जितने ज्यादा पढ़े हमने इरीगेशन प्रोजेक्ट ही पढ़े, डैम इरीगेशन, है ना, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यही ज्यादातर एमपी में चलाए जा रहे हैं अभी। The Bargi Dam is located on the river in Madhya Pradesh. भाई Bargi Dam जो है वो किस river पर है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या बेतवा? Bargi Dam, देखिएगा Bargi Dam जो है वो नर्मदा river पर है। नर्मदा river पर बने 30 बड़े dams में से जो है एक Bargi River Dam भी है। लगभग लगभग 30 dams जो है नर्मदा river में बन चुके हैं जिसमें से एक Bargi Dam भी है। यदि Bargi Dam की बात करूं तो इसका काम जो शुरू हुआ था, इसके बनने का काम जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1974 में और फिनिश हुआ 1990 में। नर्मदा रिवर की मैं बात करूं तो आपको पता है इसका ओरिजिन जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, 13-12 समथिंग ये जो है टोटल बहती है। और यदि मैं बात करूं कि केवल आपसे कई बार ये भी पूछ लिया गया है कि केवल एमपी में नर्मदा नदी कितनी बहती है, क्या भाई एक बार एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाया भी है कि केवल एमपी में कितना बहती है, तो 10-72 केवल एमपी में बहती है, बाकी गुजरात वाले एरिया में चली जाती है। नर्मदा नदी पे बनाया गया लगभग लगभग 21 गेट्स, इस जो Bargi Dam प्रोजेक्ट है इसमें लगभग लगभग कितने 21 गेट्स हैं, जिसमें से अभी केवल 19 ही खोले जा रहे हैं, 2 गेट अभी भी इसमें से बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस फेस्टिवल भगोरिया इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ विच रीजन इन मध्य प्रदेश? भगोरिया किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया जो है फेस्टिवल बहुत ज्यादा फेमस फेस्टिवल होता है ना, ये फेस्टिवल लगभग लगभग ये कहिए कि होली के 7 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। 7 दिन तक भगोरिया चलता है, फेस्टिवल चलता है, मेला होता है, है ना। लोग दूसरे भाई ऐसा होता है भगोरिया मेला जो होता है ना, इसमें लोग दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से भी। कहां से? तो आप कहेंगे कि मैम बिल्कुल यदि कंट्री में कहीं पर भी जो है ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं तो वह वापस अपने घर आ जाते हैं और 7 दिन वो खुल के अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, है ना। मेले में इनकी फेमस, इनकी फेवरेट मिठाइयां मिलती है, झूले, ये वो, डांस, आदिवासी डांस, कला, संस्कृति, कल्चरल सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। भगोरिया यदि मैं बात करूं तो ये जो स्टार्ट हुआ था भगोरिया फेस्टिवल स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था राजा भोज के समय, राजा भोज के टाइम पीरियड में जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो क्या मैम राजा भोज ने स्टार्ट करवाया था? नहीं बेटा, वो एक परमार किंग थे, एक राजपूत किंग थे, उन्होंने नहीं, लेकिन इनके समय पर 2 प्रिंस हुआ करते थे, इनके समय पर 2 प्रिंस हुआ करते थे। उन प्रिंस का नाम क्या था? उन प्रिंस का नाम था कासुमारा, कासुमारा एंड बालून। इन दोनों के जरिए, इन दोनों ने जो है इस फेस्टिवल को मनाना शुरू किया, इस फेस्टिवल को इन दोनों ने मनाना शुरू किया और तब से जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर शादियां भी होती हैं। जी हाँ, फेस्टिवल में बढ़िया जनजाति के लड़के लड़कियां तैयार होकर आते हैं, आज भी एमपी में होता है। जी हाँ,
तैयार होकर आते हैं, तैयार होकर आते हैं फिर वो शादी के लिए, भाई उनको यदि कोई लड़का पसंद आ रहा है, लड़की पसंद आ रहा है, तो वहीं से लड़का जो होता है लड़की को लेके चला जाता है एक, अब वो जो भी है ना। और क्या क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ऐसा पान मिलता है वहां पे, ऐसा कहा जाता है कि जो लड़का लड़की को पसंद कैसे करता है मैम पता कैसे चलता है, लड़का ले जाके लड़की को पान दे देता है, यदि वो लड़की पान को एक्सेप्ट कर लेती खा लेती तो मतलब वो पसंद है, उनका विवाह हो जाता है। और इसके साथ एक और होता है कि भाई गुलाबी रंग का, गुलाबी जो कलर होता है वो लड़का ले जाके लड़की को ऐसे करके लगा देता है, लड़की यदि खुश हो जाती है तो मतलब फिर दोनों फिर वहां से चल देते हैं। तो ये कुछ भगोरिया में होता है, काफी सुंदर होता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान तक इसमें जो है जाते हैं भगोरिया मेले में, बहुत अच्छा होता है ये। तो ये कहां, कौन सी, किस क्षेत्र की जनजाति स्पेशली मनाती है, फिलहाल आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो ये ज्यादातर मनाती है भैया मालवा के आसपास की जनजाति। कहां मनाती है भैया? मालवा के आसपास की जनजाति है ये मनाती है, बुंदेलखंड बघेलखंड वाले में नहीं बनता, मालवा के आसपास की जनजाति जो है इसको मनाती है। यदि आपको जीवन में ट्राइबल चीजों को, ये समझे जनजाति कल्चर को यदि देखना है तो एक बार भगोरिया मेले में जरूर जाइएगा। चलेगा द फेमस सांची स्तूप वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच इंडियन एम्परर? सांची स्तूप का निर्माण किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में हुआ? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या अकबर? अकबर तो क्या ही स्तूप बनाएंगे। अच्छा आपको पता है स्तूप का मतलब क्या होता है? स्तूप जो है ये एक संस्कृत वर्ड है ना, संस्कृत वर्ड है, और संस्कृत का ही आप जानते हैं आगे ये क्या हुआ है, पाली है ना, पाली जो है संस्कृत का ही एक, एक ये कहिए कि उसका टाइप है, रूप है, है ना, और इसका मतलब होता है ढेर। स्तूप का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ढेर होना, है ना। अब यदि मैं आपसे बात करूं सांची के स्तूपास जो है वो लगभग लगभग 2300 ईयर्स एगो के हैं, 23 ईयर्स एगो जो है ये ढेर बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कलिंग विजय के बाद क्या हुआ था? कलिंग विजय के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। क्यों भाई? कलिंग के युद्ध में जब उन्होंने सबको मार दिया, सबको मार दिया, जब कलिंग के दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए गए, लेकिन कलिंग के दुर्ग के दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ा गया, अंदर बच्चों की माओं की लाशें बिछा दी गई, जब अशोक ने ये सब देखा उससे सहन नहीं हुआ और उसका दिल जो है वो ये कहो गिल्ट होती है, गिल्ट से भर गया और उसने कहा कि अब मैं ये सब नहीं करूंगा, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। वो तीन जो श्लोक है, बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, है ना, वो उन्होंने ले लिए और स्तूपों का निर्माण उसके बाद से करवाया। अच्छा मैम ये सांची के स्तूप सांची में ही क्यों बनवाए? अशोक तो कहां कलिंग बलिंग कितना कुछ जीत चुका था बेटा, इनकी जो पत्नी थी है ना, अशोक की जो पत्नी थी सुकुमारी जी, ये जो है विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। किसकी बेटी थी? विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी, और अशोक ने उनको ही इंस्ट्रक्शन देके जो है विदिशा के पास ही है ये, वैसे विदिशा जिले में नहीं आता, सांची जो है रायसेन जिले में आता है, रायसेन के जिले में आता है, पास में भोपाल के, ध्यान रखना भोपाल से केवल 40 किलोमीटर है सांची, लेकिन रायसेन जिले में आता है। दूसरी, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्तूप हैं, लेकिन दूसरा जो स्तूप है, सेकंड स्तूप जो है वो सबसे बड़ा है, सेकंड स्तूप जो है वो सबसे सबसे बड़ा स्तूप जो है इसका सेकंड वाला है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर एक फेस्टिवल भी होता है ना, यहाँ पर एक अपन कहते हैं ना बौद्ध महोत्सव जिसे आप एक तरीके से कहेंगे, तो लगभग 26 से लेकर हाँ 2 दिन चलता है वो, 26th and 27th नवंबर को हर साल जो है यहाँ पर बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है, बौद्ध महोत्सव जो है मनाया जाता है। कहाँ पर भाई? सांची में मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं इसका जीर्णोद्वार भी काफी बार करवाया गया है ना, सातवाहन वंश के राजाओं ने करवाया, सातवाहन वंश के किंग ने करवाया है, शुंग वंश के किंग्स जो थे है ना, पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र शुंग, उसने भी यहाँ का जो है जीर्णोद्वार करवाया है कई बार। चलेगा, यूनेस्को में भी लिया गया, आप बहुत अच्छे जानते हैं, कई बार हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजवाड़ा पैलेस इन इंदौर इज ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इंक्लूडिंग एंड यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस, मुगल, फारसी, राजपूत या गॉथिक? मुगल, पर्शियन, राजपूत या गॉथिक, कौन सी शैली है राजवाड़ा पैलेस की? अच्छा आपको एक बात और बताओ, ये जो स्तूपास है ना, स्तूपा में स्पेशली अंदर कुछ भी नहीं है, है ना, लेकिन स्तूपा में जो है दो प्रचारक है ना,
बौद्ध धर्म के दो शिष्य जिनमें से एक का नाम था सारिपुत्र और एक का नाम था शायद महामोगदालयन, इनकी जो है अस्थियां रखी गई हैं। और जो मैंने अभी आपको फेस्टिवल बताया, महोत्सव होता है 2 दिन का, 26 और 27 नंबर को इनकी अस्थियां स्तूप में से निकाल के पूरी परिक्रमा जो है स्तूप की लगाई जाती है और उन अस्थियों को वापस वहां पर स्तूप में रख दिया जाता है, ये भी होता है यहाँ पर। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है शायद। हाँ तो भाई भाई किसका है भाई राजवाड़ा पैलेस? राजवाड़ा पैलेस के बारे में बात कर लेते हैं। राजवाड़ा पैलेस आ जाओ भैया, 150 में दो, 150 में दो, 150 में दो, वो बात अलग है 150 में दो वाली। लेकिन राजवाड़ा में जो होता है एक बहुत अच्छी चीज और है राजवाड़ा में। राजवाड़ा पैलेस में यदि मैं बात करूं भाई, होलकर से रिलेटेड है ये। इसका जो है बनाना, इसको स्टार्ट किसने करवाया था? होलकर किंग है ना, होलकर किंग मल्हार राव जी ने, है ना, मल्हार राव जी होलकर ने। फिर एंड किसके टाइम पे करवाया भाई? अहिल्याबाई, इनकी जो क्या थी, बहू थी अहिल्याबाई होलकर ने जो है इनको कंप्लीट करवाया। ठीक है, लगभग इसमें कितने ये कहिए फ्लोर्स है, तो टोटल जो है इसमें 7 फ्लोर्स है बेटा। कितने फ्लोर्स है इसमें? टोटल 7 फ्लोर्स हैं, जिसमें से नीचे के 3 फ्लोर जो हैं वो स्टोन से बने हुए हैं और ऊपर के बाकी के जो 4 फ्लोर्स हैं वो वुड से बने हुए हैं। कई बार जो है फ्लोर्स गिरे भी हैं। जी हाँ, अभी वहां का जो है पूरा राजवाड़ा का नक्शा बहुत अच्छे से चेंज किया गया है, उसको बहुत अच्छे से उसका पुनर्निर्माण, उसकी मरम्मत कराई गई है ना उसका। लेकिन तो आपको ये याद रखना कि भाई 3 फ्लोर जो है स्टोन के, 4 फ्लोर जो है वुड के, ऊपर वाले 4 फ्लोर वुड के, नीचे वाले 4 फ्लोर जो है स्टोन के, टोटल इसमें जो है 7 फ्लोर है। पूरे 7 फ्लोर्स में जो है टूरिस्ट को नहीं जाने दिया जाता है, केवल कुछ एक जो फ्लोर है उनमें जाने दिया जाता है। इसका निर्माण कंप्लीट कब हुआ था? 1766 में जो है इसका काम कंप्लीट हो गया था। कौन सी शैली है, कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल है? तो मुगल। ध्यान रखना भाई, यहाँ पर यदि मराठा दिया हुआ होता तो हम उसको लगा देते, लेकिन मराठा और मुगल का मिक्सचर है। यहाँ पर मराठा दिया होता तो हम मराठा को ज्यादा मानते, बट यहाँ पर मुगल ही केवल दिया हुआ है तो हम मुगल को मानेंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? द कचनार सिटी इन जबलपुर इज नोन फॉर इट्स यूनिक ट्री दैट ब्लूम्स विद कलर्स फ्लावर। कचनार जो सिटी है, कहां पर है कचनार सिटी, कोई बताएगा? कचनार सिटी जो है ये स्पेशली है भैया जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। फेमस क्यों है? यहाँ पर स्टैच्यू है भाई साहब, स्टैच्यू है। किसका स्टैच्यू है? लॉर्ड शिवा का। लॉर्ड शिवा का यहाँ पे एक बहुत बड़ा लगभग 76 फीट टॉल स्टैच्यू है। 76 फीट टॉल जो है स्टैच्यू है ना। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे ये बना कब था, तो ये बना था 2004 में। कब बना था बेटा ये? 2004 में बना हुआ था। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन से पेड़ के लिए, कौन से ये कहिए विशेष फूल के लिए जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, गुलमोहर के। इसके लिए जाना जाता है कचनार सिटी, गुलमोहर के फूल के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फेमस भोजेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी इन द मध्य प्रदेश? भोजेश्वर मंदिर जो है किसको डेडिकेटेड है? शिव, विष्णु, दुर्गा या सरस्वती? अब भोजेश्वर आप तो नाम से ही समझ गए होंगे है ना कि भाई कौन से पे। सबसे पहली बात यदि भोजेश्वर टेम्पल की बात करूं, भोज ताल भी इसको कहा जाता है, भोज मंदिर भी इसको कहा जाता है। ये कहां पर? तो बैंक ऑफ रिवर बेतवा पर है। जी हाँ, बेतवा रिवर के, ठीक है, बेतवा पर है। इसे जो है नॉर्थ इंडिया का सोमनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? नॉर्थ इंडियास सोमनाथ। इसे नॉर्थ इंडिया का सोमनाथ भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सोमनाथ टेम्पल की तरह निर्मित है। हालांकि इसका जो काम है वो आज तक कभी पूरा नहीं हुआ है ना, आज तक इसका जो काम है वो कभी पूरा नहीं हुआ। ये मंदिर को हमेशा अधूरा ही छोड़ा गया है। यदि मैं आपसे बात करूं तो इस मंदिर का महत्व जो है महाभारत काल से, माता कुंती ने जो है भगवान शिव की आराधना के लिए माता कुंती ने जो है ये बनवाया था और वो तब से ही अधूरा है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ का नाम किसके उस पर करवाया गया है? तो परमार किंग राजा भोज के नाम पे हमने इसका नाम दे दिया है। तो
बाद में टेम्पल कब बनाया गया, 11th सेंचुरी के समथिंग में बनाया गया है ना। यहाँ पे जो ये एक बात करें, शिवलिंग जो है वो काफी बड़ा शिवलिंग है, लगभग 7.5 फीट का जो है शिवलिंग है। आप कभी जाते हैं अंदर तो आप देखिएगा, बहुत सुंदर जगह है। अब तो खैर इसके आसपास की जगह बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, पहले नहीं थी, अब तो गार्डन वगैरह बहुत कुछ बना दिया गया है वहां पर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में किस नदी के किनारे मनाया जाता है? सिंहस्थ की यदि मैं बात करूं, आपको पता है सिंहस्थ, सिंहस्थ देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, सिंहस्थ। सिंहस्थ वर्ड क्यों यूज हुआ है भैया? सिंहस्थ का मतलब होता है जब सिंह, सिंह क्या होती है, एक राशि होती है, जब सिंह राशि में क्या प्रवेश करता है, बुध है ना, बुध ग्रह जब सिंह राशि में प्रवेश करता है तब सिंहस्थ, उस नाम से सिंहस्थ दिया गया है। और कब होता है? तो ये हर 12 साल में होता है। कब होता है? वैसे तो भाई 12 साल में मेला लगता है हर, है ना। सिंहस्थ जब, बुध जब किस में, किस राशि में प्रवेश करता है, सिंह राशि में प्रवेश करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंहस्थ का मेला लगाया जाता है। सिंहस्थ कुंभ, कुंभ का मतलब क्या होता है मैम? कुंभ का मतलब होता है बेटा घड़ा। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा। वैसे तो आप बता देंगे कि हाँ मैम शिप्रा नदी के किनारे लगता है, लेकिन हमको एक्स्ट्रा चीजें भी इसके बारे में पता होनी चाहिए। पूरे इंडिया में 4 जगह जो है सिंहस्थ का मेला लगता है। अभी 4 जगह कौन कौन सी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, हरिद्वार है ना, प्रयागराज, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। लगभग 1 मंथ तक ये चलता है, काफी भव्य मेला होता है, आपको पता ही होगा। चलिए, बृहस्पति जब बुध नहीं सॉरी बृहस्पति बुध नहीं प्रवेश करता है, बृहस्पति जब प्रवेश करते हैं, सॉरी दोनों में डिफरेंस है ना। अरे बृहस्पति सिंह राशि में कौन प्रवेश करता है? बृहस्पति है ना, इस बात को ध्यान रखना, सॉरी माय मिस्टेक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द बुंदेली डायलेक्ट इज प्राइमरीली स्पोकन इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। बुंदेली भाषा प्राथमिक रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बुंदेलखंड, निमाड़, बघेलखंड या मालवा, किस वाले एरिया में ज्यादातर बोली जाती है बुंदेली डायलेक्ट? यदि मैं आपसे बुंदेली डायलेक्ट की बात करूं तो ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंडर में आती है। इंडो आर्यन लैंग्वेज के जो है अंडर में आती है, लैंग्वेज के अंडर में आती है। कौन सी? बुंदेली डायलेक्ट, सॉरी। इसका जो राइटिंग सिस्टम है, राइटिंग सिस्टम कौन सा है? वही जो हमारा है, देवनागरी। आपसे स्पेशली पूछा जा रहा है कि ये कौन से वाले एरिया में स्पेशली बोली जाती है ये। अच्छा एक चीज और, ये यदि आपसे पूछा जाए कि ये क्लोजली कौन सी भाषा से रिलेटेड है, तो ये ब्रज भाषा से क्लोजली रिलेटेड है ना। ब्रज भाषा जो आपने सुनी होगी उससे क्लोज, बड़ी प्यारी भाषा है ब्रज भाषा, है ना। और आलाखंड में भी जो है बुंदेली डायलेक्ट का हमने सुना है ना, आलाखंड में भी जो है बुंदेली डायलेक्ट का वर्णन मिलता है, बुंदेली डायलेक्ट में वर्णन मिलता है। तो ये कहां पर बोला जाता है? सीधी सी बात है, आप ऑप्शन देख के बता देंगे, बुंदेली है तो मतलब बुंदेलखंड में ही बोली जाती होगी। कहां बोली जाएगी? बुंदेलखंड में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द फेमस ताजुल मस्जिद इन भोपाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यूज इन इंडिया। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर या शाहजहां। कौन से शासक के शासन में ये बना था? पहली बात, यदि मैं बात करूं, ये आपसे वहां का शासक नहीं पूछ रहा है कि भाई भोपाल का कौन शासक था, ये पूछ रहा है उस टाइम पे दिल्ली में कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको जो है बनाया कब, चालू कब किया गया था इसका काम? लगभग 18th सेंचुरी, 1887 के समथिंग शुरू किया था। इसको बनवाया किसने था, मैं इसके बारे में यदि आपसे बात करूं तो शाहजहां बेगम ने, किन्होंने स्टार्ट करवाया था इसका काम? शाहजहां बेगम ने। लेकिन शाहजहां बेगम की जो है फिर डेथ हो गई थी, वो इस काम को कंप्लीट नहीं करवा पाई थी, तो उनकी डॉटर, उनकी बेटी
उनकी बेटी ने जो है इस मस्जिद का काम, इस मॉस्क्यू का काम जो है कंप्लीट करवाया था। जी हाँ, एक ने नहीं, दो लोगों ने मिलकर करवाया था। उनकी सुल्तान सुल्तान ऐसा कुछ नाम था, सुल्तान जहां बेगम ऐसा कुछ नाम था इनकी डॉटर का। हाँ, सुल्तान जहां बेगम ने जो है इसका काम टोटली कंप्लीट करवाया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम पे भाई भारत में कौन सा रूलर था, तो ध्यान रखिएगा बहादुर शाह जफर जी थे उस समय। कौन थे भैया? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, कंप्लीट कब हुआ था इसका काम? तो 1958 के समथिंग, 1958 के समथिंग जो है इसका काम कंप्लीट हुआ था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, द कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश इज पोटेंशियल सेकंड होम फॉर विच बिग कैट स्पीसीज। कौन सी बिल्ली की दूसरी बड़ी प्रजाति के लिए है भाई दूसरा घर कौन सा है? स्नो लेपर्ड, लेपर्ड लायन या टाइगर, बताइए किसके लिए है भैया, जल्दी जल्दी बता दो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो भाई ये जो है फेमस कौन सी प्रजाति के लिए भाई? तेंदुआ के लिए। बिल्ली की प्रजाति कौन सी है यहाँ पर? तेंदुआ। स्नो लेपर्ड जो है वो एमपी में कैसे पाया जा सकता है? स्नो एमपी में है कहाँ, ये बताओ। बिल्ली जो है, तेंदुआ जो है बिल्ली की प्रजाति है ना, स्पीस है उसकी। लेकिन हिम तेंदुआ, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजन थे। हिम तेंदुआ भाई, स्नो तो एमपी में है ही नहीं, स्नो नहीं है तो हिम जो है हिम तेंदुआ कहां से होगा, स्नो लेपर्ड कहां से होगा, तो केवल लेपर्ड चलेगा। सो इसके अलावा भाई आज के जो क्वेश्चन है हमारे यहीं पर खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वापस से मिलेंगे एक और नए लेक्चर में। लेकिन तब तक यदि आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस का, तो आप जाइए फटाक से हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको पूरे क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चंस का जो है पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज वेल एज यदि आपको इस लेक्चर में कुछ पसंद आया हो, सेशन में आपको बहुत कुछ पसंद आया हो, कुछ एक पॉइंट भी यदि आपको नया जानने को मिला है, तो फटाक से जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वापस से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।